ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो संभाजीनगर टू पुणे वाला जो रास्ता है, उधर इतने सारे पैचेस है। एज यू कैन सी दिस, सो लुक एट द व्यू। प्रॉपर फील हो रहा था कि ब्रिज हिल रहा है, वाइब्रेशंस फील हो रहे थे पूरे। ए भाई भाई, मेरा ही रिएक्शन निकल गया भाई। और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ पे हुआ है और एक एक्सीडेंट, कार में ठुका। ऐसे एक्सीडेंट देखे ना, फिर मुझे डर लगता है भगाने में। मेरा फेवरेट बन चुका है, दैट इज द क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लीपर। एंड इधर पुलिस वाले भैया भी है, पता नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, उनका तो फोटो खींच रहे और बोलते हैं कि एक बार रेव करो। एंड पुलिस वाला सामने ही था, मैं बोला नहीं भाई पुलिस वाला है, पर उन्होंने क्या किया, हाथ लेके खुद ही रेव कर दिया। Hey guys, welcome back to another vlog। And सुबह के बज रहे हैं 6:18 and हम निकल चुके हैं अपनी फर्स्ट सोलो राइड पे, दैट इज संभाजीनगर टू पुणे। सो एक्चुअली सीन क्या है कि अपने बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग ड्यू है, सो अपने बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग कराने के लिए हम निकल पड़े हैं पुणे की तरफ। इधर से आई थिंक 220 किलोमीटर्स का अपना जर्नी होने वाला है, एंड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स का टाइम अपने को लगने वाला है। सो फटाफट से निकलते हैं अभी। ये हम फाइनली संभाजीनगर को छोड़ते हुए, तो एक्चुअली हुआ क्या कि रात में कल हुई बहुत बारिश, तो आई वॉज डाइसी कि क्या करे, कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। और उसमें सोने पे सुहागा ऐसा हुआ दैट मेरा रेन चीटर मुझे मिल नहीं रहा था। सो मैंने सोचा क्या करे, बट देन सोचा कि चलो निकलते हैं, देखते हैं जो होगा सो होगा। और ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है, अभी तक मैं ऐसे सोलो नहीं गया हूँ। सो देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है, जो भी एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो बने रहिए। साउंड कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जिन्होंने पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखना, आपको समझ जाएगा कि हमने कौन सा एग्जॉस्ट लगाया है। सो फिलहाल के लिए तो मजे लो एग्जॉस्ट के। तो अभी जब तक सवेरे का टाइम है, ट्रैफिक कम है, तब तक फटाफट से किलोमीटर्स कवर करते हैं। सो अभी तक मैंने 27 किलोमीटर्स क्लॉक कर लिए हैं, एंड बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो संभाजीनगर टू पुणे वाला जो रास्ता है, उधर इतने सारे पैचेस है एज यू कैन सी दिस, कि गाड़ी ऐसी जंप कर रही है। सो बहुत देख के चलाना पड़ रहा है, और स्पीड भी मेंटेन नहीं हो रही है। बैग लेके निकला हूँ, सो बैग के वजन से पीठ की भी वाट लग चुकी है इतने में ही। आई डोंट नो कैसी होगी आगे की राइड, कैसे करेंगे हम कंप्लीट। सो फिलहाल का तो हाल यही है, ऐसे डॉज कर करके चलाना पड़ रहा है ये पैचेस को। क्योंकि क्या है पता है, जब आप 100 के आसपास होते हो ना, तो ये पैचेस आपको अच्छा खासा बम्प देते हैं। मतलब अभी इतना दे रहे हैं 60-70 पे, तो 100 and 110 पे सोचो आप क्या होगा। सो लुक एट द व्यू, एक फोटो खींचे क्या? चलो इधर खड़े रह के एक फोटो खींच लेते हैं। एंड साथ ही साथ अपने बाइक का फ्यूल लाइट भी जल चुका है, सो इसमें फ्यूलिंग भी करानी पड़ेगी। सो अभी तक हमने क्लॉक किए हैं 48 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सो लुक एट द व्यू, है ना खतरनाक। सो बाइक पे जाने का तो ये मज़ा है भाई, कि आपको हर एक नज़ारा फील करने मिलता है। कार में जाते हो तो उतना फील नहीं आता है, पर बाइक में जाते हो तो वो नेचर आपको फील कर सकते हो आप। A few minutes later. So चलो निकलते हैं अब इधर से, कहते हैं बाय बाय इस प्यारे से व्यू को। एंड अभी ढूंढते हैं एक पेट्रोल पंप, क्योंकि हमें करनी है फ्यूलिंग। और ये जो ब्रिज था ना भाई, इतना हिल रहा था, मतलब ऐसे एक भी ट्रक वगैरह गए ना, प्रॉपर फील हो रहा था कि ब्रिज हिल रहा है, वाइब्रेशंस फील हो रहे थे पूरे। सो लकीली वहाँ से निकलते ही विद इन 3-4 किलोमीटर्स हमें पेट्रोल पंप मिल गया है। सो अभी इसको
फुल करते हैं। सो यह है 106.58। फाइनली फ्यूलिंग इज डन, निकलते हैं अभी इधर से। खतरनाक भाई। सो ये हम पहुंचे हैं लिलियम पार्क, और अभी तक हमने कवर किए हैं 92 किलोमीटर्स। लिलियम पार्क प्योर वेज, मोर आई थिंक 110-120 किलोमीटर्स टू गो। एंड मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है, अब थोड़े से रास्ते अच्छे हो गए हैं एंड अब चलाने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा खींच पा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। And look at the view, guys. Look at the view. Bike पे travel करने का मज़ा अलग है। Trust me, अगर आप कार वाले हो, कार से ही travel करते हो, तो एक बार bike से travel करके देखना, आपको जो feel आएगा ना, that will be next level. आप nature का जो मज़ा bike पे ले सकते हो ना, that you cannot take in car. So करना यार कभी तो भी एक बार ट्राई, एंड ट्राई टू एंजॉय दिस फीलिंग। सो मैं ले रहा हूँ क्रूज कंट्रोल के मज़ा, और यहाँ हमारे 100 किलोमीटर्स भी होने वाले हैं। ये भाई भाई खतरनाक मेरा ही रिएक्शन निकल गया भाई, क्यों करते हैं लोग ऐसा यार। दिख रहा था इनको यार कि कार आ रही है पीछे से, क्यों इतना रिस्क लेते हो यार। सो फाइनली हमने सक्सेसफुली 100 किलोमीटर क्लॉक कर लिए है अभी तक, एंड सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ओ भाई भाई भाई, ऐसे एक्सीडेंट देखे ना फिर मुझे डर लगता है भगाने में, फिर थोड़ी देर ऐसा लगता है कि भाई 20-30-40 के स्पीड पे ही चलो। सो पुणे मोर 135 किलोमीटर्स टू गो। सो अभी हम पहुँचे हैं अहमदनगर, और हमने लिया है ये अहमदनगर वाला ब्रिज। सो ये ब्रिज क्रॉस करते ही अहमदनगर ख़त्म हो जाएगा। या और यहाँ पे हुआ है और एक एक्सीडेंट, शायद ये कार में ठुका। सो सेकेंड एक्सीडेंट अभी तक का जो देखा है हमने, होप्सो की और ना देखने मिले, क्योंकि एक्सीडेंट्स होना अच्छी बात नहीं है, तो होप्सो की वो भाई को ज़्यादा लगाना हो। सो फाइनली स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक, और यहाँ खड़ी है अपनी बाइक। सो अभी फटाफट से टी लेते हैं। अभी तक 143 किलोमीटर कवर कर लिए हमने, एंड मोर 100-110 किलोमीटर्स टू गो। सो निकलते हैं फिर इधर से चाय ले। सो निकलते हैं अभी इधर से, 5 मिनट का ब्रेक सोच के रुका था, बट ज़्यादा टाइम लग गया इधर। हमें शोरूम पहुँचते पहुँचते 11:30 हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि इधर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सो फाइनली अभी तक हमने 200 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, मोर 40 किलोमीटर्स टू गो, एंड हम पहुँच जाएंगे कावासाकी के शोरूम में। सो अभी तक की राइड तो बहुत ही अच्छी लगी। जैसे मैंने पिछली बार बोला था, जब पुणे से मैं संभाजी नगर जा रहा था, वो टाइम पे मुझे ये बाइक की एक अच्छी चीज़ लगी थी, जैसे मैंने आपको शेयर किया था, वो थी कि क्रूज़ कंट्रोल। बट ये वाले टाइम कुछ अलग है, जो मेरा फेवरेट बन चुका है, दैट इज़ द क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लीपर। एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीपर का क्या ही मज़ा आ रहा है भाई, खतरनाक साउंड आ रहा है। जैसे आई विल शो यू, ये अपशिफ्ट, नाउ डाउन शिफ्ट। पता नहीं मुझे आवाज़ आई या नहीं आई कैमरा में, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। सो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं आई थिंक सो पुणे में,
क्योंकि ट्रैफिक ने हमारा स्वागत किया है एंड ट्रैफिक में चलाने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, बट कोई नहीं, अभी शोरूम तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ सूर्य देवता ने हमारे ऊपर कृपा की है, अच्छे से हीट बरसा के। अभी क्या हुआ, वो जो सामने रिक्शा चल रही है ना, वो मेरे बाजू में खड़े थे सिग्नल पे, एंड रिएक्शंस तो बहुत सारे मिल रहे थे, बट तब कैमरा ऑफ था और वो भैया ने पूछा कितने की बाइक है। सो मैंने बताया इतने इतने की है। सो ही वॉज शॉक और बोलते हैं कि एक बार रेव करो, एंड पुलिस वाला सामने ही था। मैं बोला नहीं भाई, पुलिस वाला है, पर उन्होंने क्या किया, हाथ लेके खुद ही रेव कर दिया। वो तो लकीली पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं। बहुत ही ट्रैफिक है यार इधर, एंड फ़ोन होल्डर लगाने की जगह नहीं है, तो मुझे पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। एंड इधर पुलिस वाले भैया भी है, पता नहीं पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, उनका तो फ़ोटो खींच रहे। चलो अपना छूट गया, अपन निकल लेते हैं। और गाड़ी बहुत ओवर हीट हो रही है भाई, 110 डिग्री। चलो 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 चलो। A few minutes later. So finally हम पहुंच चुके हैं कावासाकी पुणे। So अभी कराते हैं इसकी सर्विस। So ये वाला ब्लॉग इधर तक ही रखते हैं, सर्विस वाला एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे। So इधर तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट वाला ब्लॉग जरूर देखना, सर्विस ब्लॉग होने वाला है। So till then, ride safe, be safe, take care, bye bye.